खुद से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे, लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सके चल चल सके चल सके चल चल सके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बाद भी जज्बात भी के 11वें एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियाँ लेकर आ सके। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। आज के एपिसोड में हम कहानी उन महिलाओं की सुनेंगे जिन्होंने संगठित होकर एकजुटता की ताकत को पहचाना है। ये महिलाएं बिहार के वैशाली जिले में रहने वाली हैं। जब महिलाएं संगठित होती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास आता है और फिर वे अपने फैसले खुद लेने लगती हैं। जब ये संगठन बनाकर विचार करती है, दुनिया समाज को देखने समझने की कोशिश करती है, तब ये अपने भविष्य को सामूहिक रूप से सही और सशक्त दिशा दे पाती है। अगर महिलाएं संगठित नहीं होती हैं, तो इसके अभाव में महिला के नेतृत्व विकास को समाज में प्रभावी स्थान नहीं मिल पाता है। महिलाओं के संगठित होने का ही नतीजा है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक पिछले 15 वर्षों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये संख्या 2009 में 7% से बढ़कर 2024 में 9.6% हो गई है। महिलाओं की उम्मीदवारी को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 797 महिलाएं मैदान में उतरी थी, जो कुल उम्मीदवारों का 9.6% है। हालांकि पिछले बार की तुलना में इस बार 18वीं लोकसभा में संसद पहुंचने वाली महिला सांसदों की संख्या 74 है, जबकि 17वीं लोकसभा में ये संख्या 78 थी। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं ही थी। छोटे दलों और क्षेत्रीय उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों का अनुपात उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा, जो हमें ये बताता है कि गांव और स्थानीय स्तर पर संगठित होना बेहद जरूरी है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में कई युवा महिलाएं चुनाव जीती हैं। नई संसद में 30 साल से कम उम्र के 7 सांसद हैं, जिसमें से 4 सांसद तो महज 25 साल के हैं। खास बात ये है कि इन 7 युवा सांसदों में से 4 महिलाएं हैं, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं। 26 वर्षीय नेता संजना जाटव ने राजस्थान की भरतपुर सीट से जीत दर्ज की है। संजना दलित समुदाय से आती हैं। जीत दर्ज करने के बाद वो राजस्थानी लोकगीत पर नाचते हुए जश्न मनाती नजर आईं। वो अब तक की सबसे युवा दलित महिला सांसदों में से एक हैं। प्रियंका सिंह जरकी होली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकौड़ी से जीती हैं। वो अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं। मछली शहर से जीतने वाली प्रिया सरोज भी महज 25 साल की हैं। यूपी की कैराना सीट से इकरा चौधरी भी युवा प्रत्याशी हैं। संसद में इनकी मौजूदगी हमें ये बताती है कि आने वाले समय में हाशिए पर खड़े समुदाय के मुद्दों को शायद प्रमुखता मिले। भारत में 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। पहली लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व केवल 5% था। अब 22 महिलाएं सांसद बनी हैं। वहीं 17वीं लोकसभा में 78 महिलाओं के साथ ये बढ़कर 14.36% तक पहुंचा, जबकि 2024 के आम चुनाव के बाद ये घटकर अब 13.63% पर आ गया है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये पहला चुनाव है।
इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। लोकसभा की मौजूदा तस्वीर ये बताती है कि हमारी राजनीति इस आरक्षण के लक्ष्य से अभी काफी दूर है। साथियों, पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बाद भी जज्बात भी के इस 11वें एपिसोड में लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करना जरूरी था, ताकि हम जान सके कि मौजूदा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है और अभी संगठित होकर किस तरह से कोशिशें की जाएं ताकि इस भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। हमारी संगठित होने की कोशिशें जारी रहेंगी, तभी हम देश की राजनीति में अपनी एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करा पाएंगे। भारत गांव में बसता है, ऐसे में जब तक महिला संगठन का विकास ग्रामीण स्तर पर नहीं किया जाएगा, तब तक महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण की कल्पना कोरी है। महिला संगठन किसी भी महिला आंदोलन का आधार मानी जाती हैं, और जब तक छोटे स्तर पर महिला संगठन का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम किसी भी तरह के महिला आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते। महिला संगठन के बिना सशक्त महिला नेतृत्व महज एक कोरी कल्पना है। महिलाओं का संगठित होना क्यों जरूरी है? अगर महिलाएं संगठित होती हैं, तो वो किन मुद्दों पर काम करती हैं? उनमें किस तरह का बदलाव आता है, ये जानने के लिए हमारी साथी नीतू बिहार के वैशाली जिले में पहुंच चुकी है। यहाँ नीतू नुसरत और सीमा से बात करेंगी, जो आपको संगठन की उपयोगिता बताएंगी। अभी हम बिहार के वैशाली जिले में बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ की दो साथी कार्यकर्ता हैं, नुसरत जी और रीमा जी। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हम चाहते हैं कि आपसे हम समझ पाए कि लीडरशिप के लिए महिलाओं का संगठन बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई। संगठन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि महिला जो है ना, अकेले कहीं भी किसी भी काम को करने के लिए उनके अंदर एक झिझक होती थी और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर पैदा होता था। किसी भी तरह का अगर उनको कुछ जैसे तोड़ना है, कुछ रूढ़िवादी सोच को तोड़ना है, या मान लीजिए कुछ ऐसा उनके ऊपर बेड़ी लगा हुआ है, तो वो जो संगठन जो बना ना, तो उससे वो अपने आप को बहुत मजबूती मानती है। कि मान लीजिए कि उनके गांव में, उनके पंचायत में अगर किसी तरह का कोई केस आता है, अगर वो अकेले रहेंगी तो वो सोचेंगी कि हम किसी के घर पे अगर जाएंगे तो वो शायद मुझे डरा के धमका के वो मुझे वापस घर भेज देगा। लेकिन जहां तक संगठन, अगर 10 महिला भी अगर वो उस समस्या का समाधान कर लेती है, तो वो अपने आप को समझती है कि ये संगठन मेरा बहुत बड़ा मजबूत, इसीलिए वो संगठन बनाना बहुत ही जरूरी था। रीमा जी, अगर आप बता पाए कि संगठन बनाने के दौरान की क्या चुनौतियां रही, क्या मुश्किलें रही। मेरा नाम रीमा है और मैं भी क्रिया के साथ जुड़ के मेरी पंचायत मेरी शक्ति कार्यक्रम के तहत भगवानपुर के वैशाली में कार्यरत हूँ। शुरू में जो चुनौतियां थी कि जब हम लोगों ने लिस्टिंग करना शुरू किए थे और घर घर जाके बताना शुरू किए थे कि मेरी पंचायत मेरी शक्ति जो कार्यक्रम है वो किस तरह की लीडरशिप में महिला किशोरियों के साथ काम करती है, कुछ लोग आगे बढ़ के फिर पीछे की तरफ भी गए हैं क्योंकि उनके परिवार की तरफ ये रुका गया है कि नहीं जाना है, तुम मीटिंग में जाती हो, बैठक में जाती हो, एक संगठन की तुम लीडर बन गई हो, तुम अपने आप को नेता कहला रही हो, और मुझे लोग बोल रहे हैं कि अरे फल्ला की बीवी ऐसे जा रही है, फल्ला की बहू ऐसे कर रही है। आजकल तो जैसे कि गांव में लोग बोलते कि मुंह लगल बोल रही है, एडवांस हो गई है। तो इस तरह की चुनौतियों को लेकर हम लोग को बहुत फेस करना पड़ा और कभी कभी उनके घर जाके हम लोगों ने होम विजिट भी करना पड़ा कि जो हमारे संगठन की महिलाएं हैं उनके परिवार वाले से हम लोगों को बातचीत भी करना पड़ा। तो जो चीजें फिर आगे बढ़ के पीछे की तरफ गई, फिर हम लोगों को जो चीजें पीछे चली गई, जो महिला संगठन की पीछे चली गई, उन महिलाओं को फिर से संगठन में एकजुट करने में, सम्मान करने में, पर हम लोगों की इस तरह की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना करना पड़ा। अगर हम आप लोगों से जान पाए कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महिलाओं के संगठन की नींव रखी गई। पहली बात तो महिलाओं को संगठित करके उनके लीडरशिप में लाना और उनका नेतृत्व करना,
और महिलाओं की सबसे बड़ी समूह की एकता, जो उस गांव की जो समस्या है, जो उस पंचायत की जो समस्या है, उस समस्या का महिलाओं का खासकर जो मुद्दा है, लड़कियों का जो खासकर मुद्दा है, वो मुद्दा को वो कैसे उठा पाए, क्योंकि वो अगर अकेले रहेगी कोई महिला तो वो मुद्दे को नहीं उठा पाएंगी, लेकिन वो संगठन में अगर वो महिला है तो किसी भी मुद्दे को वो उठा पाएंगी और उस मुद्दे का हल या समाधान निकाल पाएंगी। तो अभी आपके वैशाली जिले में कितनी महिला संगठन है, कितनी पंचायतों में आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? अभी हम लोग हैं ना वैशाली जिला के 10 पंचायत में हम लोग काम कर रहे हैं, लगभग एक पंचायत में 25 से 30 महिला जुड़ी हुई है हमारी। और जो ये संगठन है आपका, ये किन किन मुद्दों पे काम कर रहा है, अभी क्या क्या काम कर रहा है? जैसे कि ये संगठन जो है जल शादी, जबरन शादी, बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, जेंडर, भेदभाव, इस तरह के मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। और मैं ये चीज को देख रही हूँ कि पहले था कि हिंसाएं घर के अंदर होता है, घरेलू हिंसा है महिलाओं के साथ या किशोरियों के साथ, जब वो लोग मासिक बैठक करते हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि क्या हो रहा है आजकल, एक दूसरे का जैसे हालचाल लेना, बातचीत करना, तो जो मुद्दे निकल के आता है, अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि लड़की 14 साल की है और उनकी शादी तय कर दी गई है, जैसे ही ये बात संगठन तक पता चलता है और ये संगठन अपने में तय करती है कि दिन और समय और तारीख क्या होगा और कब उनके परिवार में जाके हम बातचीत करें कि अगर हम बाल विवाह करते हैं तो उनसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी कौन कौन से रुकावटें आ सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की रुकावट, उनकी पढ़ाई की रुकावट, उनके सपने की रुकावट, तो ये सब लेके हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। इस संगठन को बनाने से लेके उसमें उसका हिस्सा बनने तक, पूरी प्रोसेस में रहने तक, आपके निजी जीवन में क्या बदला? तो ये मेरे तो खुद के निजी जिंदगी में ये बदलाव हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि खाना वाना बन के मिलता है, ऐसा नहीं कि पत्नी आएगी तभी वो मतलब कि खाना बनाएगी, और जैसे कि समाज में देखा जाता है कि बेटियों से काम कराया जाता है और बेटों को है कि ये तो लड़का है ये काम कैसे करेगा, तो इस तरह का घर में भी चेंजिंग हुआ, क्या बेटी की जगह पे बेटा भी कभी एक गिलास पानी लाकर दे, मम्मी अब पी लीजिए बहुत थक कर आई है, तो घर में भी थोड़ा चेंजिंग हुआ, सपोर्टिव माहौल बना है मेरे काम करने से, हस्बैंड भी समझते हैं कि वो थक आई है। तो पहले इस तरह का निजी जिंदगी में बदलाव नहीं था, लेकिन अब खुद के अंदर भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। रीमा जी, अगर आप बता पाए थोड़ा सा कि आपके निजी जीवन में कैसे है? मेरा पहले का जो निजी जिंदगी था, मैं बहुत पीछे जाऊं तो मैं एक चार दीवारी के अंदर कैद थी, मैं अभी बहुत गर्व के साथ कहती हूँ आज के डेट में वही रीमा जो 5 किलोमीटर पैदल तय करती है, आज मुजफ्फरपुर से वैशाली तक NH 22 पर मैं स्कूटी चला के अपने कार्य क्षेत्र में काम करती हूँ। ये हक क्या होता है, अधिकार क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, मैंने यहाँ संगठन में आके इस चीज को बहुत बारीकी रूप से जाना है और सीखा है। आप दोनों को सुनते हुए शायद हम आपकी यात्रा को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि शादीशुदा जिंदगी के बाद बच्चों की जिम्मेदारी को संभालते हुए, ससुराल में रहते हुए, पर्दा प्रथा, तमाम तरह की जो कुप्रथाएं हैं उनको लांघते हुए, एक बहू के तौर पे जब आपकी हाईवे पे स्कूटी दौड़ती है, नुसरत जी पटना से आती हैं, जो बदलाव आप लोगों ने साझा किए निजी जीवन में, निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुसरत और सीमा को सुनते हुए संगठन पर हमारी समझ और पुख्ता हुई। वैशाली जिले के 10 ग्राम पंचायतों और महिलाओं के समूह हैं। एक समूह में 25 से 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। करीब 500 महिलाओं का यहां मजबूत संगठन है। संगठन से जुड़ी महिलाओं को अब अपने नाम की पहचान मिल चुकी है। ये महिलाएं अब हिंसा नहीं सहती हैं। ये अपनी पंचायत में बाल विवाह, जबरन शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और जेंडर भेदभाव जैसे मुद्दों पर बड़ी सघनता से काम कर रही हैं। पर शुरुआत में उनके लिए संगठन से जुड़ना और इतने खुलेपन से काम करना कहां संभव था। पर इनके मजबूत हौसलों ने इन्हें खुलेपन से काम करने के लिए अपने घर, परिवार और समुदाय में जगह बनाई है।
संगठन के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों की उदासीनता को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर ये पाते हैं कि उनके घर में उन पर लागू पाबंदियों उनके बढ़ते कदमों को प्रभावित करती है। गांव में जब भी कोई महिला या किशोरी अपने घर के बाहर काम से जाती है तो घर वाले हमेशा उनसे लाभ का सवाल करते हैं। ये सवाल करते हैं कि किसी संगठन या बैठक में जाने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। वास्तव में ये लाभ का सवाल महिलाओं की गतिशीलता, उनके आने जाने के अधिकार, लोगों से मिलने और खुद के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए रास्तों को बंद करता है। स्वाभाविक है, जब महिला कहीं बाहर खुद अपनी मर्जी से नहीं जाती और उसका घर से निकलना उसके परिवार के काम से होता है तो उसकी पहचान भी बहु बेटी पत्नी जैसे रिश्तों मात्र में सिमट कर रह जाती है। अभी हमारी साथी नीतू आपको वैशाली जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर कीरतपुर राजरामपुर ग्राम पंचायत में संगठित महिलाओं के एक समूह से मिलवाएंगी। संगठन से जुड़ी इन महिलाओं की यात्रा बेहद उत्साहपूर्ण और रोचक है। तो हमारी साथी नीतू, शांति, मंजू, उमा देवी, बबीता रानी, नीता, पुतुल और शोभा देवी से उनके बारे में जानेंगी। तो आइए सुनते हैं उनकी यात्रा। चल सके, चल चल सके, चल सके, चल चल सके। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? आप पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बिहार के वैशाली जिले में हैं। आज जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर कीरतपुर राजाराम ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं हैं कि आज हम जिस दरवाजे पे बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, 2019 में आज से 5-6 साल पहले यहीं पे ये महिलाएं एक साथ पहली बार संगठित हुई थी। एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने बातचीत की थी और तब से अब तक ये एक संगठन के तौर पे काम कर रही हैं। 2019 में क्रिया के सहयोग से इन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में इस तरह के संगठन का गठन किया और ऐसी इनकी 10 पंचायतों में महिलाएं हैं। करीब 500-600 की संख्या में महिलाएं होंगी जो इस तरह से संगठित होकर काम कर रही हैं। तो हम इन महिलाओं से आज समझने की कोशिश करेंगे कि जब महिलाएं संगठित होती हैं, जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो किस तरह से वो नेतृत्व की भूमिका में आगे आती हैं, कैसे अपने मुद्दे उठा पाती हैं। चल सके, चल चल सके, चल सके, चल चल सके। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में और नमस्ते आप सभी को। कि अगर आप लोग हमें थोड़ा सा बता पाए, आप लोगों को एक साथ जुड़ना क्यों जरूरी लगा? मैं अनीता देवी कीरतपुर राजाराम की निवासी हूँ। जैसे हम अकेले हैं तो डरी हुई रहते हैं, अकेले महसूस करते हैं। जब सब पूरा महिला रहती तो पूरा ताकत आती है। मेरा नाम बबीता कुमारी, कीरतपुर राजाराम के रहने वाली हूँ। जब से ग्रुप में संगठन हुए हैं तब से हमारे घर में पुरुष जो है उनको हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर हाथ उठा दे। पहले बहुत मारते थे, बहुत ठीक से रहने नहीं देते थे और पी के आते थे, मारते थे, हम समझाते थे बहुत मार। हम मेरे ऊपर कोई नहीं साथ देने वाला था। अब संगठन खुला तो मेरे ऊपर सब तीसों महिला अब बल है, हिम्मत है, अब ऐसा नहीं होता है, सही से रहते। मेरी नाम उमा देवी हुआ, कीरतपुर राजाराम वैशाली जिला के निवासी हूँ और मेरी पंचायत मेरी शक्ति में 2019 से समूह में जुड़ी हुई है और पहली बार मैं जब यहाँ पुतुल देवी के दरवाजे पर आई तो घर से निकलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। हम लोग संगठन बनाई, हम लोग जैसे डरते थे कहीं जाने आने में। जो संगठन है मेरी पंचायत मेरी शक्ति, वो बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं कीरतपुर राजाराम का। यही जानकारी जब संगठन में जब जुड़ गए तो हम लोग का यही जानकारी हुआ कि लड़का लड़की का भेदभाव, छोटा की लड़का है तो पढ़ाएगा तो आगे मुहैया कुछ भी कर सकता है, नौकरी चौकरी सब होगा, लेकिन लड़की को तो कुछ पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। घर में तो पब्लिक क्या करेगा, घर में तो खाने ना बनाएगा, अब कुछ इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। यही लड़की का भेदभाव हम लोग जब से संगठन में जुड़े हैं हम लोग का जानकारी हुआ। सब दीदी को नमस्ते, हम बिंदु देवी कीरतपुर राजाराम से बोल रहे हैं। पहले से भी ज्यादा अभी मेरी जिंदगी बदल गई, बोलने के तरीका भी आया और घर में भी बदलाव हुआ।
पति पहले जब शुरुआत में आ रहे थे तो बोलते थे कि कहाँ जा रही हो, कमाने जा रही हो, क्या करती हो, वहाँ जा करके क्या फायदा मिलता है। मेरा नाम कुतुल देवी है, मैं किरतपुर राजा राम के रहने वाली हूँ। मेरे ही दरवाजे पर मीटिंग का शुरुआत हुआ था 2019 में। अब बहुत ज्यादा बहुत बदलाव हुआ है, 6 साल हम लोग पुराने हैं। बहुत ज्यादा गए मीटिंग में, बहुत सारी जानकारी मिला हमको। इसके लिए सब महिला मिलकर, किसी भी तरह के एक महिला का हिंसा हो रहा है कि हम लोग सब मिलकर उनको मदद करें, सहयोग करें और उनके पीछे जो भी अथी बन पाए मदद करें। और बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो अगर आप मुझे बता पाए कि जो संगठित महिलाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके काम करने का क्या तरीका है, आप लोगों की क्या भूमिका है इस संगठन की, तो थोड़ा बताएं। अगर संगठन में सब महिला मिलकर हम लोग बैठते हैं, महीना के एक बार मीटिंग होता है, कोई ऐसा हिंसा हुआ चाहे किसी मुद्दे पर आवाज उठाना है, सब मिलकर आवाज उठाए, बोले कि शोषण हो रहा है, इस पर रोका जाए, सब मिलकर जाके थाना पर दर्ज किया जाए, बोला जाए। तो उस मीटिंग में किन किन विषयों पे बात करते हैं? बेटी में लड़का में भेदभाव नहीं रखना है, जितना लड़का के पढ़ाना है उतना लड़की के पढ़ाना है, बाल विवाह नहीं करना है, ये सब वहाँ पे जानकारी होता है। तो आप लोग आपस में ही बातचीत करते हैं या मोहल्ले के पड़ोस के या पंचायत के भी लोग आते हैं आपके पास अपनी समस्या लेके? पंचायत के लोग भी आते हैं। आपस में कोई सा मुद्दा आता है तो एक दीदी को बताया जाता है, सब दीदी को बुलाया जाता है, उस पर विचार होता है कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए। सब मिलकर एक संगठन बनाए हुए हैं तो उसमें सब महिला आता है, सब सभी जात का महिला आता है, उन मुद्दे के रखा जाता है, उसको सुलझाया जाता है कि किस तरीके से सुलझाया जाए, थाना से चाहे पंचायत बुलाकर चाहे महिले में सब मिलकर एकजुट होकर समझाया जाता है। इस तरह का मिलकर हम लोग समझाए जाते हैं, आपस में झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होने वाला है, समझा कर जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम लोग 20 महिला 30 महिला है तो मानेगा नहीं, अकेले के नहीं धुला दे रहा, लेकिन 20-30 महिला है, सब हम एक बोलेगा 10 गो पीछे मेरे बोलेगा, एक शक्ति है मेरे हाथ में, सबके मिलकर एक मर्द नहीं समझेगा, जरूर समझेगा, जब कोई ऐसा मुद्दा होगा तो जरूर बात मानेगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब संगठित हुए, जब इस तरह के मामले सुलझाने लगे अपनी पंचायत में बैठकर, महीने में मीटिंग करने लगे, तो अगर आप लोग अपने निजी जीवन के अनुभव बता पाए कि जब आप समूह में सारे लोगों के झगड़े निपटाते हैं, पंचायत के सारे मामले सुलझाते हैं, तो आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि पहले सोचते थे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसको शादी कर देते हैं, 15 साल की हो गई है, तो वो नहीं सोच है मेरे पास, जैसे कि सोचते हैं कि मेरे बच्चे के भी जीवन में कुछ आगे बढ़े, जो हम जो झीले थे वही नहीं झीले। 22 साल के हो जाने पर मतलब बाल विवाह ना करे, उसको भी कोई सपना होगा, पढ़ा लिखा कर नौकरी अपना पैर पर खड़ा हो जाए तब शादी करें। पहले से नहीं पता था ये सब, छोट उम्र में मतलब कि कम उम्र में शादी करने से कौन कौन चीज हो रहा है कौन चीज नहीं, अब पूरा जानकारी हुआ। बहुत मेरा स्थिति खराब था कि कहने लायक भी नहीं है, और जब से संगठन में जुड़े हैं तब से घर का भी जो भेदभाव हो रहा था, जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा था, वो बहुत सुधरा है। पहले से 6 साल हो गया जुड़े हुए, 6 साल में बहुत बदलाव हुआ है, और वैसे मेरे साथ नहीं हुआ है। घर से बाहर जाते थे, घर के आदमी ये बोलते थे, सास हो, ससुर हो या पति हो, कि गलत आदमी है, से बाहर जाते हैं। जब से संगठित हुए हैं मेरी शक्ति मेरी पंचायत से, तब से हिम्मत भी बढ़ गई है, बल भी बढ़ गया है, और जागरूक भी हुआ है संगठित के माध्यम से। जैसे पहले तो सभी जानकारी के कारण अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं था तो लोग सबको महिला शोषण होबे करता है हर घर में, और जब से हम लोग इस मेरी पंचायत मेरी शक्ति में जुड़े तब से बदलाव हुआ कि अब घर में शोषण कम हुआ है, अगल बगल में भी कम हुआ है, कि एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ रहा है लोग। अब पहले अकेला निकलते थे तो डर लगता था, अब धीरे धीरे घर के महिला बाहर जा रही है
अब देखा देखी से अब घर वाला भी सोचता है कि से अब ये घर के औरत निकल गई बाहर काम करने लगी, अब दूसरे घर के महिला काम करती है, तीसरे घर के महिला काम करती है, अब सब संगठन बना लिया है, अब सब घर के औरत काम कर रही है, अब सब एक्टिव हो गया है। पहले हम लोग गांव में नहीं बोलते थे, डरते थे, और बहू जैसे रहते थे कि हाँ ससुर जी है चाहे भैसुर है बड़े साहब है तो उनके सामने हम ना बोले, इज्जत करें कि सोशल होने पर किस तरह से हम लोग मतलब कि अपने 25-26 आदमी जो है सबको निपटा लेते हैं कुछ होने पर घटना होने पर, लेकिन पुलिस तक बात नहीं पहुँच पाता, हम लोग सुलझा लेते हैं उस सभी मामलों को। हमको अब डर भय नहीं लगता है, एगो बुद्धा था छेड़खानी किया तो हम आवाज उठाए तो सारा दीदी लोग पहुंचे तो हम लोग उसको मारे मारे दौड़े, बोले कि ए उम्र के तक आपको आती है पोती होगा ये कैसे करे, तो एक आदमी आए घिस के ले गए उसको, तो वही बाजार में बोला कि देखिए और लेडीज के कितना हिम्मत है कैसे इतना बाजार में हल्ला किया, तो हम लोग बहुत हल्ला किए 3-4 आदमी मिल के सारा दीदी लोग पहुँच गए। चले सकी। एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, किनका बहू है किनका पतो है किनका लड़की है, जब से ग्रुप में संगठन हुए हैं एकता हुए हैं तब से एक दूसरे को पहचान भी बढ़ा है। घड़ी में मेरा दिन गुजर रहा था, शाम से सुबह गुजर रहा था और बाहर नहीं होते थे, जब से मेरी शक्ति मेरी पंचायत में हम लोग जुड़े हैं तब से हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिला, तब से एक दूसरे के जान पाए कि फलाने का पत्नी है वो इनका पुतो है, पता नहीं चलता है कि कौन देवरानी कौन जेठानी है कौन सास है कौन पुतो है कौन, पता नहीं चलता है भैया, खूब बढ़िया से अपना हंसी खुशी में अपना रहते हैं सब दीदी मिलकर, और जो हमको रीमा दीदी जी सिखाते हैं दीदी जी सिखाते हैं हम लोग कुछ। अगर हम जानना चाहें कि आपने अपने समुदाय में क्या बदला, आपकी पंचायत में क्या बदला? पंचायत में जो है हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि महिला के साथ कोई मतलब जेंट्स गलत शब्द उठा रहा है गलत बोल रहा है तो हम लोग 2-4 मिनट सुन लेते हैं कि भाई कैसा बात है, महिला के साथ कुछ गलत व्यवहार न तो हो रहा है, और हम लोग देखते हैं तो उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दूसरा गांव के उधर के आकर के दूसरा जेंट्स मारने लगा, सरपंच था पंचायती करने आए थे, हम लोग यही आवाज उठाए तो ये बहुत गलत हो रहा है जेंट्स पर ये जो हिंसा हो रहा है, वो तो लगे थक थकाने कि भाई अब सब महिला 2-4 महिला बोलने लगे एकदम थक थकाने लगे कि ये जो बात है तो एकदम घबराने लगे कि ना 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 ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, से कहाँ मारे हैं कहाँ मारे, हम लोग बोले कि मारे हैं तो नहीं मारे, वो जो है महिला के बोले ये जो अत्याचार जो हो रहा है महिला के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जेंट्स को भी बोले कि काहे मारे हैं ऐसा गलती नहीं होगा। पंचायत में गए तो देखने ऐसे भी हम विकास मित्र हैं ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं पंचायत में घूमना पड़ता है तो गए पंचायत में, 2 जातियों में झगड़ा हो रहा था जेंट्स थे या महिला थी तो मारपीट हो रहा था तो उसको इतना मार मारा ना विपक्ष बोलने वाला कोई नहीं था सब मतलब अपना अपना ठहरा होके वो झगड़ा को देख रहा था, हम गए उसको जेंट्स ना उसको ना मकई में बगल का जमीने के विवादी में झगड़ा हो रहा था वो मकई में वो महिला को मकई में घिस गया करके ले जा रहा था कि भाई चलिए जमीन जो दे रहे जमीन इसी शर्त पर छोड़ेंगे जब मेरे साथ में गलत व्यवहार करने लगा महिला, तो हम ये बात बोले कि भाई ऐसा गलत अथी हो, फिर थाना गई तो उसको पर एफआईआर करवाए वो बलात्कार केस में नाम दर्ज। आपस में भी झगड़ा होता है तो लोग मिलकर समझाया जाता है कि झगड़ा को नहीं किया जाए, थाना पर भी बात चला गया तो फिर भी लोग मिलकर समझाया लोग पर चेतन चेती करके, तो हम लोग भी गए वहाँ बोले समझाए तो मुद्दा का हल हुआ। 2019 से जो हम लोग के एक संगठित हुए अभी तक भी है रहेंगे, बहुत बदलाव हुआ है, बाल विवाह कम उम्र में शादी नहीं करना है, हिंसा से संबंधित छुआछूत में भेदभाव बहुत सारा बदलाव हुआ है। संगठन की ताकत कैसे देखती हैं आप, अगर हम समझें आपके संगठन की ताकत को जानें?
स्कूल में क्या शौचालय चालय है कि नहीं, विजिट करते हैं हम लोग 10 महिला मिलकर। फिर पंचायत भवन में जाते हैं और सब महिला वहाँ के कमी बेसी का पहचान करते हैं। इंचार्ज होता है, उसको कमी रहता है, उसको कहते हैं कि से ये चीज कमी है, वो चीज कमी है, उसको पूरा किया जाए। पंचायत मेरा अच्छा होना चाहिए। जहाँ 10 महिला को देखेगा तो वो ऐसी ही कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। 10 को महिला आ गई, अब कुछ न कुछ ये सब जरूर करेगी। ऐसे पहले जाते थे तो पुलिस वाले भी बोलते थे कि हटाओ, भगाओ भगाओ, गेट से बाहर करो महिला लोग को। लेकिन अभी इस संगठन में जुड़ने के बाद पुलिस लोग थाने के आए, पुलिस भी बोले बहुत सम्मान किए सब पूरे लेडीज को, दीदी लोग को बहुत सम्मान दिए और कुर्सी पर बैठा करके इज्जत से उसने बात की, बहुत अच्छा लगा। वही कि जब से 2019 से जुटे हैं तो ना गांव के संगठन फिरती है कोई, ना पति फिरता है हम पर कि हाँ कोई दबाव नहीं करता है। जानते कि बस हम जहाँ बोलेंगे वहाँ 10 महिला आ जाएगी, 10 महिला आके हम पर फिर बोलने लगेगी, डांटने लगेगी, इसलिए नहीं बोलते हैं पति चाहे घर का आदमी, ठीक से रखते हैं। एक समय था कि हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, रोक टोक पहले लगाया जाता था। अभी संगठन में हम लोग 10-20 महिला, 25 महिला, 30 महिला मिलकर कहीं भी कोई चीज में जाते हैं तो ताकत है बहुत। अब हम लोग से डरते हैं लोग, पहले नहीं डरते थे। पहले तो हम लोग पे दबाव था कि बाहर नहीं निकलना है, ये काम नहीं करना है, इधर काहे जा रही हो, हर चीज के लिए टोका जाता था। अब नहीं टोका जाता है, अब हिम्मत से हम लोग निकल जाते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं। बहुत आदमी गलत भी सोच लेते थे ना कि घर के बाहर अंदर रहना है, बर्तन बासन से मतलब है और सब काम से मतलब नहीं है। पहले था कि घूंघट में रहती थी लेडीज लोग, अब घूंघट हटाकर चलती है, पल्लू हटाकर चलती है और सीना तान के चलती है। जितना है जेंट्स का, पुरुष का अधिकार है, उतना महिला के भी अधिकार है, दोनों में फर्क नहीं है। मेरी पंचायत मेरी शक्ति का है कि हम लोग के पर्दा से बाहर कर दिया। हम लोग पल्लू में रहते थे ना, जो घूंघट में रहते थे तो पुरुष लोग कहता था कि अच्छी है, और जब घूंघट उठाकर चलते हैं तो लोग कहता है कि अब देखो अब नेता बन गया, अब जा रही है, अब नेता लोग सब निकल गई है। अच्छा, अभी भी बढ़ जाते हैं 10 महिला तो कहते हैं कि आम सभा लगा हुआ है, बोलो सबके महिला लोग के देख लो, काम धंधा नहीं है, आम सभा लगा के बैठे हैं। अभी भी कहते हैं 10 महिला बढ़ जाते हैं तो अच्छा ये बताइए कि गांव की महिलाओं को बहुत कामकाज रहता है, तो इन सब के दौरान वक्त कैसे निकाल पाते हैं? वैसे ही काम, थोड़ा काम भी कर लेते हैं और समय निकाल करके हम लोग ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि ये आपको जरूरी, बहुत जरूरी है, अच्छा लगता है उसमें जाकर के और जरूरी भी है। कह रहे हैं कि हम लोग पहले था कि घर के काम न करना है, अब जिस दिन मीटिंग होता है उस दिन सुबह में नींद खुल जाती है, फटाफट अपना काम करके और मीटिंग में निकल जाते हैं समय से। अब मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और शायद आप लोगों की यात्रा को हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग 2019 से 2024 में 6 साल में कैसे आपने अपनों से लड़ाई की होगी, कैसे आपने ताने सुने होंगे, कई लोगों ने तो हो सकता है मारपीट भी सही हो घर से बाहर निकलने के बाद, है ना, कि तुम क्यों मीटिंग में जाती हो, क्यों बैठती हो। इन सब के बावजूद आप में वो हिम्मत बनी रही, वो जज्बा बना रहा, वो ताकत, वो साहस बना रहा कि आज भी 25-30 महिलाएं संगठित हैं और अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रही हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरी और महिलाओं को हिम्मत और ताकत दे रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए। शायद बहुत सारे लोगों को हम बता पाएंगे आपके बारे में कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह से संगठित हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं मेरी, और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने महिलाएं संगठित होकर काम करते रहिए। थैंक यू। क्या बात है साथियों, इन महिलाओं को सुनते हुए आप में से बहुत सारे लोग खुद की यात्रा से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जब महिलाएं बैठकों में आती हैं, संगठन से जुड़ती हैं, तो गांव की दूसरी औरतों से उनकी जान पहचान बढ़ती है, लोग उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। इससे पहले उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उनके घर के पुरुषों से होती थी। नारीवादी नेतृत्व सीधे तौर पर
व्यवस्थित ढंग से समानता को मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में काम करता है। जब से ये महिलाएं संगठित हुई हैं, तब से ये महिलाएं अपनी ताकत पहचानने लगी हैं, घर और बाहर सवाल करने लगी हैं, सही और गलत का मतलब समझने लगी हैं। ये जान गई हैं कि अगर इन्हें अपने आप को स्थापित करना है तो सबसे पहले एकजुट होना होगा। जब ये एकजुट होकर किसी भी बात को रखती हैं, तो उस बात का वजन बढ़ जाता है। संगठित महिलाएं जिंदा दिली की कहानी लिखती हैं। साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल और सुझाव है। आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। अगले सप्ताह 12वें एपिसोड में आप जानेंगे इब्तिदा की यात्रा के बारे में। इब्तिदा मतलब बहनापा, जिसमें बहुत सारे नारीवादी संगठन जुड़े हैं। इस रोचक यात्रा को सुनना ना भूलिएगा हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 12वें एपिसोड में। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब रखें अपना ख्याल, हम जल्द मिलेंगे। चल सखी अब अपनी सब की बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।